सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इधर श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने भी एक इंटर एक्टिव डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया। सुल्तानपुर लोधी की पवित्र धरती पर हुए इस खास आयोजन में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इस कार्यक्रम में नजर आईं। इस डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए लोगों को श्री गुरु नानक देव जी के जीवन चरित्र, उनके संदेश और उनकी यात्राओं की विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के चंडीगढ़ स्थित रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने किया है। एक प्रयास जहां पर 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन को लेकर कई तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं और इन विशेष इंतजामों के बीच एक खास प्रदर्शनी जिसमें श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े जो संदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो विचार हैं, उन तमाम चीज़ों को इस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के बीच जन जन कर पहुँचाया जा रहा है। इसी खास मौके पर प्रकाश पर्व के विशेष आयोजन पर एक खास आयोजन किया गया। इसमें डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से और यहां पर मुख्य अतिथि की भूमिका में नजर आए सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी। इंडिया को एक तरह से विश्व गुरु कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी की सीख की बहुत जरूरत है और आज मुझे यहाँ आकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से है लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत उपयुक्त है, शिक्षाप्रद है और उससे लोग बहुत देखेंगे। उसके दिन भी बढ़ाने पड़ेंगे तो हम बढ़ाएंगे लगे तो, लेकिन अभी आने वाले चार दिन में ये प्रकाश पर्व में ये सब है। मैं 12 तारीख को नांदेड़ साहिबा में जाऊंगा। जहाँ पे गुरु साहब ने बेड़ी के पेड़ के नीचे 14 साल से ज़्यादा बैठ के यहाँ पे किया, सामने ही वेद नदी से जहाँ से गुरु साहब प्रकट हुए जब वो आप हो गए थे 3 दिनों के लिए और निकल के मानवता का संदेश एक ओंकार, सब जात पात धर्म से ऊपर उनके एक ओंकार का संदेश जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश इस स्थान पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नतमस्तक होके उसके बाद 72 साल के बाद हमारी सिखों की आस्था अरदास जो गुरु नानक देव जी की कृपा के साथ पूरी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के राही पूरी हो रही है, करतारपुर साहब का लांगा का उद्घाटन करेंगे और 550 पहले श्रद्धालु उस जगह पे नतमस्तक हो गए जहाँ गुरु साहब ने अपने जीवन का आखिरी समय बिता के किर्त करो नाम जपो वन जपो खुद करके दिखाया, जिस पिंड को बसाया, जिसको नाम दिया उस जाके नतमस्तक श्रद्धालु को सब।